नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इंटरटेन फॉर यू के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेसारी लाल यादव की पहली फिल्म साजन चले ससुराल के बारे में। बात करेंगे कि इस फिल्म को खरीदने के लिए क्यों कोई डिस्ट्रीब्यूटर तैयार नहीं हो रहा था और इस फिल्म को रिलीज कराने में जुबली स्टार गिरहुआ की क्या भूमिका थी। तो बने रहे वीडियो के साथ। दोस्तों, खेसारी लाल यादव की पहली फिल्म साजन चले ससुराल थी, जो कि रिलीज हुई थी 2011 में। इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे खेसारी लाल यादव, स्मृति सिन्हा, किरण यादव, अनुप अरोरा जैसे बेहतरीन कलाकार। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रेमांशु सिंह ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था आलोक कुमार ने और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी और इस फिल्म के गाने के काफ़ी कैसेट उस समय सेल किए गए थे और इस फिल्म के गाने उस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। इस फिल्म ने खेसारी लाल यादव को रातों रात स्टार बनाया था। पर क्या आपको पता है, जब ये फिल्म बनकर कंप्लीट हुई थी 2010 में, तो इस फिल्म को खरीदने के लिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर तैयार नहीं हो रहा था। और जब इस बात का पता जुबली स्टार निरहुआ को चला, तो उन्होंने 25 लाख की मदद की और इस फिल्म को रिलीज कराया और फिल्म सुपरहिट साबित हुई और खेसारी लाल यादव को भोजपुरी इंडस्ट्री में पहचान मिली। और इसके बारे में खुद खेसारी लाल यादव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी फिल्म को कोई डिस्ट्रीब्यूटर खरीद नहीं रहा था और जुबली स्टार निरहुआ ने मदद की, जिस कारण वो आज इस मुकाम पर है। तो दोस्तों, जुबली स्टार निरहुआ की इस नेक काम के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।